बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं राशिद तबस्सुम, देखती आंखों सुनते कानों को राशिद तबस्सुम का सलाम पहुंचे। एक नई खूबसूरत वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़र हुआ हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। ये शौक आपको दिखाएंगे भाई उमर दराज का, अपने इलाके करोड़ लाली सेन से खोखे के सेट के कबूतर हैं। कोई शौक करवा रहा हूँ जी, सब्ज़ करबलाई VIP कबूतर है। दुम इसकी पटाई कर दी है, कलियाँ न्यू आ चुकी हैं। ये एक पेप्सी करबलाई भी देख सकते हैं आप जी, आपकी नज़रों के सामने घूम रहा है। ये एक और ज़बरदस्त कबूतर बैठा है, सिंघारा चोटीदार VIP है। कुछ कबूतर परिंद घूम रहे हैं, कुछ कबूतर जो है खींचे फिर रहे हैं। दोस्तों ये पिशोरी भी बड़ा ज़बरदस्त कबूतर है, ठीक है जी। ये लाल शराजी पामोस, इसके अलावा यार एक तलाई बर्फाई कबूतर बड़ा ज़बरदस्त घूम रहा है। ये देखें जी, रोशन चित्रा जंगला कबूतर, ये भी ज़बरदस्त है। बड़ी बाड़ी का बकरा कबूतर है, सबज मोती इसने पहने हुए हैं जी। कलपोटिया तलाई कबूतर घूम रहा है, बर्फाई भी इसको कह सकते हैं माशाल्लाह। बड़े प्यारे मोती पहने हुए हैं जी, अच्छी चीज़ है, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। ये जी सबज शराजी कबूतर एक घूम रहा है, काबरा कबूतर आगे मस्ती कर रहा है। दो लाल शराजी इकट्ठे बैठे हैं, एक कचपरा गंडेदार है, एक सादा है, ठीक है जी। ये काला कबूतर परिंद घूम रहा है, जोगिया गंडेदार, अच्छा जी। एक दोस्तों आप देख सकते हैं वो सामने बैठा है जी कबूतर, चनियारा, कुछ लोग चिंगारा कहते हैं जी। माशाल्लाह बर्फाई का दोबारा से शौक करें, बड़ी ज़बरदस्त कमाल चीज़ है दोस्तों। ये सारे कबूतरों के ऊपर कैमरा फेर रहे हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इनका तारफ करवाते हैं जी, बताते हैं। ये एक और चनियारा बैठा है कचपरा, ये भी अच्छा कबूतर है, काला मुखी पीला सिंघारा गंडेदार कबूतर घूम रहा है। ये एक काबरा कबूतर कचपरा घूम रहा है, ये भी ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अलावा एक काबरा वो पीछे घूम रहा है, वो भी बड़ी बाड़ी का बकरा कबूतर है। एक लाल तलाई कबूतर भी मौजूद है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये चूहा सफ़ेद दुम के साथ, अगर इसकी गंडियाँ पटाई करी जाएँ तो हो सकता है ये भी कचपरा है तो गंडियाँ निकालेगा, ठीक है जी। ये एक पीले कबूतर का शौक करें, सिंघारे का पिशोरे भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये देखें आपकी नज़रों के सामने मस्ती कर रहे VIP। ये दोस्तों शौक करें जी, हल्की फुल्की इनको छांट भी लगाएंगे भाई, चावल और गन्ना में इनको डाल रहे जी। हर किसी का अपना अपना तरीका कार होता है कबूतरों की तैयारी का। चावल जो है ये बाढ़ भी खोलता है, इस मौसम के अंदर कबूतर गर्मी होने की वजह से दाना नहीं खाते, तो ये भी बेहतरीन ग़ज़ा है। आज मैं भी जाते हुए अपने कबूतरों को डालने के लिए टोटा चावल लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और तकरीबन ज़्यादा तादाद में कबूतरों को जो है ना खींचा हुआ है, ये इनके सारे एतमाद वाले कबूतर हैं, कुश्तियाँ करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बस और छांट ना लगाना, और छांट ना लगाना, ठीक है। ये थोड़ी छांट ज़्यादा लगा दी है इसलिए इन्होंने मुंह नीचे किया हुआ है। जैसे ये अपनी गर्दनें ऊपर उठाते हैं तो फिर इनका पूरा कद बॉडी वजूद आपको अच्छे से ठीक से मैं शो करवा सकूंगा। ये गुलाबी मुखी का शो करें, ये जी सियाह शराजी का शो करें, माशाल्लाह अच्छा कबूतर है यार। पीछे एक लोहेटा कबूतर बैठा है, ये भी VIP है, मस्ती करते हुए आपको शो करवा रहा हूँ। मुखी कबूतर मस्ती कर रहा है, जो जो कबूतर मस्ती करेगा कैमरा कवर करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप जी, ये एक भूरा भी मस्ती कर रहा है, ठीक है। ये भूरा, ये गोरा कासत कबूतर है, ये गुलाबी मुखी, ठीक है जी। कबूतर अभी भी दाना खाने में मसरूफ है, गर्मी होने की वजह से एक आधे कबूतर की आंख भी ख़राब हो रही है, लेकिन आंख ख़राब होना एक छोटा सा मसला है, ठीक हो जाती है। सिंघारे दो कबूतर घूम रहे हैं, ये देखें, वो जो पीला सिंघारा घूम रहा है वो भी नर है गंडेदार,
गोना वो मादा है दोस्तों। मादियाँ कितनी हैं आपके सेट के अंदर? पांच मादियाँ। कौन कौन से वाली? अंबीरी खाल, पांच मादियों का शौक करवा रहे हैं जी आपको। चिंगारी मादी है, चिंगारी मादी है, लाल शिराजी मादा है। अच्छा जी, कदरा कबूतरे घूम रहे ब्लैक दम के साथ, वो भी मादा फीमेल है। सही, तीन वो वाली बग्गी। अच्छा, वो नार नार आपस में लगे हुए हैं। करबलाई पेप्सी मादा है। सही, चार चलो जी, पांचवी कोई होगी, कह रहे नजर में नहीं आ रही। टोटल कितने कबूतर हैं? 60 तकरीबन, 60 कबूतर हैं दोस्तों। एक आधी गिनती ऊपर नीचे हो सकती है। ये पट्ठा कहाँ से लिया है सबज करबलाई? भाई का भतीजा कहीं से लेके आया। अच्छा कबूतर है माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, कमाल चीज़ है। ये वाला कहाँ से लिया था तलाई कबूतर? सही, इनके पास उड़ा बैठा है, कुश्तियाँ वगैरह इन्होंने करवाई हैं। आप तमाम दोस्तों से इजाज़त लेने का वक्त हुआ जाता है जी। उम्मीद करता हूँ आपने तमाम कबूतरों का अच्छे से शौक कर लिया होगा। ये शौक आपको करवाया है भाई उमर दराज का, ठीक है। ये खोखे के सेट के कबूतर हैं, ये सामने खोखा खड़ा है, ठीक है जी। खोखे वाले ये कबूतर हैं। शौक की वीडियो आप तमाम दोस्तों को दिखा रहे हैं। ये तलाई कबूतर भी ज़बरदस्त है। ढेर सारी दुआओं के साथ राशिद तबस्सुम को दीजिए इजाज़त। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। कबूतरों के पार जो है खींचे हुए हैं, अगर ये फुल परिंद होते तो इनका कद बाडी वजूद इनका दर्शन मज़ीद अच्छा होता। इलाके में जैसे जैसे शौकीनों ने कबूतर रखे हुए हैं, अपडेट आपसे शेयर करते रहते हैं और रोज़ाना आपको नित नए शौक की वीडियो कवर करके दिखाते हैं। सपोर्ट कर दिया करें, हौसला अफजाई कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।